तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख ली। गवाह है आज भी 1971 की वो जंग, जिनको आपने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर। तब भारत की दोनों ओर पाकिस्तान था, पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान और पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान। युद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे? पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही थी और जुल्म उठा रही थी, और ये सब सिर्फ इसलिए कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और यही नहीं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए वहाँ पे नरसंहार शुरू कर दिया। वहाँ के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। 25 अप्रैल 1971 को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं थल सेना प्रमुख जनरल SHFJ मानेकशॉ को भी बुलाया गया था। मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ हमारी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो। आप इसका मतलब जानती हैं? इट वॉर, जंग। जंग हो तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। आई डोंट माइंड इफ इट इज अ वॉर। मैडम आपने कभी बाइबल पढ़ी? जनरल एक बात बताओ, व्हाट डज बाइबल गॉट टू डू विद इट? बाइबल की पहली बुक फर्स्ट चैप्टर की पहली लाइन, ईश्वर ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। अब आप इस बात को घुमा कर देखिए और कहिए लेट देयर बी वॉर। लड़ाई होनी है, लड़ाई हो जाएगी, पर क्या आपको लगता है लड़ाई के लिए तैयार है? आज 25 अप्रैल है, हिमालय के सारे रास्ते खुले हैं। अगर चीनियों ने हमें अल्टीमेटम दे दिया तो हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध करना पड़ेगा। जनरल आपको क्या लगता है, चाइना अल्टीमेटम देगा हमें? आप फॉरेन मिनिस्टर है, आप ही बताइए मुझे। मैडम प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे और आपने मुझे वहां सेना लगाने को कहा था। तब से मेरे 20,000 सैनिक वहां नियुक्त थे। अब उन्हें वहां से निकालकर अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर में भेजने के लिए मुझे एक महीना चाहिए। एक और डिवीजन आंध्र प्रदेश, एक और असम और मेरा आर्मर डिवीजन, इन सबको वहां से निकालकर अपने पोस्ट में भेजने के लिए मुझे एक महीना चाहिए। और ये भी तब होगा जब इस देश की सारी सड़कें, ट्रेन और ट्रक्स इस काम में लग जाए। और हाँ, आर्मर डिवीजन में अभी सिर्फ 13 ही टैंक अवेलेबल है। सिर्फ 13 ही टैंक? क्यों? कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पिछले 1.5 साल से मैं आपको मरम्मत के लिए पैसे मांग रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं। इसीलिए मैडम प्रधानमंत्री, आज 25 अप्रैल है और लड़ाई की तैयारी करते करते मानसून आ जाएगा, और वहां मैंने और ऐसे में हमारी सेना वहां नहीं लड़ पाएगी। अगर अब भी आप चाहते हैं कि हमारी सेना वहां दाखिल हो, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। हाँ जनरल की ये बातें सुनकर मैडम इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। कैबिनेट 4 बजे फिर मिलेगी। जनरल आप रुके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम प्रधानमंत्री, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपने मानसिक और शारीरिक सेहत के आधार पर इस्तीफा दे सकता हूँ। आप बैठिए सर। आपको सच बताना मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है जीतने के लिए लड़ना, ना कि हारने के लिए। ऑलराइट सर, आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ, अब आप ही बताइए आप कब तक तैयार होंगे? वॉर यस, बट नॉट नाउ। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकता, बट यस, इफ यू गिव मी चांस फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, विक्ट्री विल बी आवर्स। पूरे पाकिस्तान में हालात खराब होते जा रहे हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट पाकिस्तानी राइफल्स और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट अपने ही
पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर दी और खुद को आजाद घोषित कर दिया। भारत ने भी वहाँ के लोगों की मदद की और उन्हें फौजी ट्रेनिंग दी। इस तरह मुक्ति वाहिनी का जन्म। ढाका को भारतीय सेना ने तीनों तरफ से घेर लिया, लेकिन बांग्लादेश में बसे पाकिस्तानी फौजियों की हिम्मत पस्त हुई 14 दिसंबर को। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से आत्मसमर्पण करवाने की तैयारी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ के तौर पर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे थे। उनका बेस कोलकाता था। रेस कोर्स मैदान पर पहले जनरल अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और ए के नियाजी एक मैच के सामने बैठे और दोपहर के 2:30 पर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू की। शाम के 4:31 पर ऐतिहासिक ढाका रेस कोर्स बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के हाई कमांड चीफ ऑफ स्टाफ कैप्टन हुंकर की मौजूदगी में पूर्वी कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण शुरू होता है। सरेंडर के दौरान ली गई तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास में यादगार होंगे। भारतीय सेना ने 14 दिन में पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के सिपाही हथियार डाल चुके थे। इंदिरा जी इसी पल के इंतजार में थे। इंदिरा जी को पाकिस्तान के सरेंडर की खबर मिल गई थी। पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह ऐलान कर दिया। तेरह दिन के युद्ध में भारत एक भी युद्ध नहीं हारा। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली। आज पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और इसका पूरा श्रेय जाता है भारत के निडर व साहसी सैनिकों। सूरत बेहाल है माँ, तेरा आंचल लाल है माँ, मैं कफन हूँ बांध के निकला। अब लहू से साफ होगा तुझ पे ये जो दाग है माँ, है बदन पे आँच की घड़ियाँ। तक ये दम है तेरी कसम मैं झुकने न दूंगा सर, ये तेरा 100 से अकेला लड़ जाऊंगा मैं, है कर्ज बाकी मुझ पे तेरा। चल बेखौफ निडर बंदे, धावा बोल के डर बंदे, जय हो साहस की।